नमस्कार, मेरा नाम अभिनव है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप पाइकार्ड्स ऐप डाउनलोड कर इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पाइकार्ड्स ऐप डाउनलोड करना। पाइकार्ड्स ऐप डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाइए। तो हम प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में गूगल प्ले में हम पाइकार्ड्स टाइप करेंगे। पाइकार्ड्स, याद रहे पाइकार्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, पाइकार्ड्स, इसको सर्च करेंगे। सर्च करने पे आपको ये जो ऐप दिख रहे हैं, पाइकार्ड्स, पाइकार्ड्स अटेंडेंस, पाइकार्ड्स पेरेंट्स, इसमें केवल जिस ऐप पे पाइकार्ड्स लिखा है वो डाउनलोड करना है। तो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, इस पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करने के बाद ये कुछ समय लेगा ऐप डाउनलोड करने के लिए। ऐप जब डाउनलोड हो जाती है तो आपको प्ले स्टोर में ओपन का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके ऐप को ओपन कीजिए। ये अपडेट अवेलेबल का मैसेज आपको हो सकता है आए, कुछ लोगों को ना आए। तो अगर आपको ये अपडेट अवेलेबल का मैसेज आता है तो इंस्टॉल पर क्लिक करके नए अपडेट इंस्टॉल कर लीजिए। ये फिर से आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा अगर अपडेट होगा, और या बैकग्राउंड में खुद ही से अपडेट कर देगा। तो अब आप जो अपने वीडियो में स्क्रीन देख रहे हैं, ये ऐप की पहली स्क्रीन है। इस पहली स्क्रीन पे आपको बोल रहा है या तो अपना फ़ोन नंबर या यूज़र नेम एंटर करें। तो हम फ़ोन नंबर से शुरुआत करते हैं। सारे टीचर्स के फ़ोन नंबर जो हमारे साथ शेयर करे गए थे उन पे हमने आपके अकाउंट बनाए हैं। तो अभी मैं एक डेमो नंबर डाल रहा हूँ, आपको इसमें अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद कीबोर्ड पर टिक बटन क्लिक करें, इससे नेक्स्ट जाएगा। नेक्स्ट में पासवर्ड डालेंगे। तो अभी हमने अकाउंट का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाला है, मैं उसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल रहा हूँ। आपको जो पासवर्ड शेयर किया गया है आपके साथ आप वो डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद टिक बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐप कुछ समय के बाद आपको लॉगिन कर देगा।